हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेयांश चोयल में। और आज हम आपको लेकर आए हैं कोटा के जो सेवन वंडर पार्क है, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जयपुर कोटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेवन वंडर पार्क में है। तो उसके लिए हमें गार्डन के अंदर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ की टिकट जो है बहुत ही सस्ती टिकट है। यहाँ पर 7 अजूबे जो जिसे अपन दुनिया के 7 अजूबे बोलते हैं वो देखने को मिलेंगे। और उसमें से जो 7 अजूबे देखने को मिलेंगे और इसके गार्डन के अंदर जाने की टिकट है वो है 10 रुपये मात्र। तो सबसे सस्ता और सबसे सुंदर गार्डन है। और हम आगे दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और ये चंबल नदी के तट पर बना हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं इस गार्डन के बारे में। और देखिए यहाँ पर पार्किंग की बहुत ही बड़ी यह सुविधा है अगर आप अपनी गाड़ी से पर्सनल गाड़ी से आते हो तो। बहुत बड़ी जगह है। और आगे चलिए गार्डन में अंदर दिखाते हैं हम आपको। इस गार्डन का उद्घाटन श्री माननीय अशोक गहलोत जी ने किया था जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और इसका उद्घाटन सन 2013 में 23 सितंबर 2013 में हुआ था। और हम दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें जो इसमें क्या क्या है। यह है जंतर मंतर, तो देखिए ये जंतर मंतर नहीं है सर। खड़ा हो देख यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये है पिरामिड जो 7 अजूबों में एक आता है। तो आइए हम देखते हैं इसको, जिसे आप पीसा के पिरामिड में नाम से जाना जाता है। 7 अजूबों में एक है। मिस्र का पिरामिड, मिस्र और पीसा दोनों में होता है। और अब इस गार्डन में हम आगे चलते हैं, जो सेकंड नंबर है वो है ताजमहल। थर्ड नंबर है जिस जो है वो है ताजमहल, जो आप सभी को पता होगा कि हिंदुस्तान में, भारत में, जो आगरा में है, जो प्यार का प्रतीक कहलाता है, वो करीब मेरी उम्मीद से सब जानते होंगे इसके बारे में। चौथा ये देखिए लिबर्टी ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पांचवी जो झुकी हुई मीनार है। और ये जो मीनार है ये पीसा की झुकी मीनार है।
और दोस्तों देखिए ये है एफिल टावर। बाज देख रहे हैं बाज। देखिए कितने सारे बाज हैं यहाँ पर। तो हम दिखा रहे थे आपको एफिल टावर। ये है एफिल टावर। तो ये है सातवां और दुनिया का सबसे आखिरी अजूबा, तो जिसे आप हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और जिसे हम कहते हैं क्राइस्ट द रिडीमर। तो ये देखिए कितना प्यारा सुंदर दृश्य है और हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। और दोस्तों ये जो गार्डन है आप देख सकते हैं चारों तरफ चंबल नदी है और कितना सुंदर वातावरण है और कितने सारे बाज हवा में उड़ रहे हैं और पहले यहाँ पर बोटिंग हुआ करती थी किसी कारणवश। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बोटिंग बंद कर दी गई है वरना हम आपको बोटिंग का भी आनंद लेकर दिखाते कि कितना मज़ा आता है बोटिंग करने में। हाँ तो दोस्तों आपको कोटा का ये जो हमने दिखाया सात अजूबों वाला गार्डन जिसे सेवन वंडर भी कहा जाता है, और तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और इसमें से कौन सा पिरामिड सबसे ज़्यादा पसंद है आपको। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।